हेलो एवरीबॉडी, सीटेट 2020 का भी एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम से पहले कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। यदि आप जानना चाहते हैं क्या नई अपडेट आई है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, यदि आप सीटेट का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं पहली बार में तो KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर आपके लिए वीडियो क्लासेस भी उपलब्ध है और आपके लिए हैंड रिटन नोट्स भी उपलब्ध है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सीटेट फ्री कोर्स है और फ्री में है दोस्तों ये, ठीक है। क्लासेस भी फ्री में है और नोट्स भी फ्री में है। आपको इन पे क्लिक करना है, हैंड रिटन नोट्स पे जाना है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते होंगे ये EVS के नोट्स भी उपलब्ध हैं और साइकोलॉजी के नोट्स भी उपलब्ध हैं और जो पुराने पेपर है दोस्तों SAT के वे भी यहाँ पर मैंने डाल रखे हैं और CTET के भी यहाँ पर डलने वाले हैं। तो आप KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा और आपका एग्ज़ाम पहली बार में ही क्रैक होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं CTET का नया अपडेट क्या आया है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, CTET 2020 CBSE CET में मास्क लगाने पर केंद्र में मिलेगा प्रवेश। दोस्तों इस बार कंपलसरी कर दिया है कि आपको मास्क लगाना ही पड़ेगा, मास्क के बगैर आपकी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले CTET के हर अभ्यर्थी को केंद्र पर मास्क लगाकर ही प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा हर केंद्र पर सैनिटाइज़र की व्यवस्था रहेगी, ठीक है जी। सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने के बाद ही अभ्यर्थी कक्षा में प्रवेश करेंगे। CTET में सावधानी रखी जाए इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। बोर्ड ने सभी केंद्रों को जून में अंतिम सप्ताह तक पूरा परिसर सैनिटाइज करने का निर्देश दे दिया है। जिन स्कूल परिसर को क्वारंटाइन केंद्र बनाया गया था वहां के हर कमरे की अच्छे से सफाई करवाने को कहा गया है। ज्ञात हो कि CTET 5 जुलाई को होगा, तो आपका जो एग्ज़ाम है CTET का वो 5 जुलाई को होने वाला है। इस बार प्रदेश के लगभग सभी जिला मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। इससे अभ्यर्थी को परीक्षा देने के लिए दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ेगा। और दोस्तों इस बार कोशिश की जाएगी कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही रहे, ठीक है। वैसे तो पहले भी होम डिस्ट्रिक्ट में रहता था लेकिन कभी कभार बाहर आता था, लेकिन इस बार आपका आएगा ही, कंपलसरी कर दिया कि आपके ज़िले में ही होगा। परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो इसके लिए केंद्रों की संख्या बढ़ेगी। एक कक्षा में 12 से 20 अभ्यर्थी ही बैठ पाएंगे। हर अभ्यर्थी के बीच की दूरी 4 से 5 फीट तक रखनी होगी। CTET 2 पालियों में होगा, 2 शिफ्ट में करवा जाएगा। 1 से 5वीं तक के लिए फर्स्ट पेपर होगा, वही सेकंड पेपर 6ठी से 8वीं तक के लिए होगा। ज्ञात हो कि CTET उत्तीर्ण होने के बाद केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और CBSE स्कूल में टीचर बनने का मौका मिलता है। और दोस्तों इस बार आपको जो CTET का जो आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा 2 घंटे पहले पहुंचना होगा और जैसे ही आप वहां पे पहुंचते हो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है उसके अंदर प्रवेश करवा लिया जाएगा और वहां पर आपके लिए गोले बनाए जाएंगे, वहां पर आपको इंतज़ार करवा जाएगा एग्ज़ाम के लिए। और इस बार आपको क्या करना है, जो आपका एडमिट कार्ड होगा और जो आपके पेन होंगे ये आपको ट्रांसपेरेंट थैले के अंदर, पॉलीथीन के अंदर लेके जाने होंगे ताकि बिना हाथ लगाए ही उनकी जांच हो सके, बाहर से उनकी जांच हो सके, ठीक है जी। जून के दूसरे सप्ताह तक एडमिट कार्ड जारी होने की उम्मीद यहाँ पे बताई जा रही है। तो दोस्तों अभी तक कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि अभी CTET का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है या नहीं हुआ है, तो अभी तक आज की डेट तक CTET का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन नहीं हुआ है। 5 जुलाई को ही आपका एग्ज़ाम करवाने की हमें बात कही गई है। कोई भी अपडेट आएगी तो आपको मैं समय रहते बता दूंगा और एडमिट कार्ड जब भी आपके रिलीज़ होंगे तो भी आपको बता दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।